बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ चिकन नूडल सूप। सबसे पहले मैं इसकी ब्रॉथ बनाऊँगी। उसको बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने सॉस पैन में पानी डाल के रखा है। ये मेरे पास ये 700 ml वाले जो हैं वो मैंने इसमें चार ये वाले मग जो हैं वो डाले हैं। अब इसके अंदर मैं बाकी की चीज़ें डालूँगी। हाफ चिकन लिया है मैंने, वो इसके अंदर जाएगा। बाकी इसमें जो दूसरी चीज़ें जाएंगी वो ये मेरे पास सैलरी है, एक स्टिक ली है मैंने सैलरी की, ये जाएगी इसके अंदर। एक प्याज मैंने लिया है, ये जाएगा। एक ही मैंने गाजर ली है, ये जाएगी इसके अंदर। पीस है मेरे पास थाइम का, फ्रेश है, ये जाएगा इसके अंदर। आप डालना चाहें डाल दें, ना डालना चाहें ना डालें। ये चार से पाँच जो मेरे पास लहसुन के हैं ये इसके अंदर जाएंगे। नमक मैं इसके अंदर डालूँगी 2 टीस्पून। साथ ही मैं इसमें चिकन डाल दूंगी, ये मेरे पास हाफ चिकन है, ये जाएगा इसके अंदर। इसको मैं मीडियम हीट पे पकने के लिए रखूंगी। चिकन गल जाएगा, हमारी जो है वो ब्रॉथ रेडी हो जाएगी। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद फिर हम इसका सेकंड स्टेप शुरू करेंगे, यखनी बनाएंगे। चिकन नूडल सूप के लिए यखनी रेडी हो गई है। मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, काफ़ी हद तक ये ठंडी हो गई है। अब मैं इसको चूल्हे की दूसरी साइड पे शिफ्ट करने लगी हूँ और हम सूप को बनाना शुरू करते हैं। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। पतीला मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया है। 1 टेबलस्पून जितना मैंने इसमें बटर डाला था वो मेल्ट हो गया है। हीट जो है वो मीडियम के ऊपर है। अब मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज काट के रखा हुआ है बारीक, ये इसके अंदर डाल दूँगी। इसको थोड़ा सा साते होने देंगे। एक स्टिक मैंने ये सैलरी की काट के रखी हुई है, साथ ही ये इसके अंदर डाल देंगे। जो है ये थोड़ा सा प्याज और साते होता है। बाकी की जो इसमें चीज़ें जाएंगी, 1 कप मेरे पास मटर हैं, ये जाएंगे इसके अंदर। 3 मैंने ये मीडियम साइज़ की गाजरें लेके काट ली हैं, ये इसके अंदर जाएंगी। ये मेरे पास ऑरेंज और रेड दोनों कलर की थी तो मैंने दोनों कलर की काट ली हैं। उसके बाद हम इसमें ब्रॉथ डाल के उसको बॉयल होने देंगे। चिकन मैं उसमें से निकाल लूँगी जितनी देर तक ये पकेगा। उसको मैं क्यूब्स में काट लूँगी या श्रेड कर लूँगी। फिर साथ हम इसमें नूडल्स डालेंगे। अब मैं साथ ही इसके अंदर सैलरी डाल दूँगी। कैरेट्स डाल दूँगी। साथ ही मटर डाल दूंगी। थोड़ा सा इनको फ्राई करेंगे। उसके बाद इसमें यखनी डाल देंगे। मेरे साथ ही दूसरी साइड पे पड़ी हुई है यखनी, उसको मैं स्ट्रेन करके इसमें डालती जाऊंगी। इसको 1-2 मिनट और फ्राई करके फिर मैं इसमें ब्रॉथ डालती हूँ तो आपको दिखाती हूँ। सब्जियाँ जितनी फ्राई करना चाह रही थी मैं उतनी हो गई हैं। अब मैं इसमें ब्रॉथ डाल दूँगी साथ ही।
इसके अंदर हमने लहसुन डाला था, सैलरी डाली थी, प्याज डाला था, गाजर डाली थी, वो सारी हम फेंक देंगे। ये सारी मैं इसी तरह से अभी थोड़ी सी रहती है डाल दूंगी इसके अंदर और इसको पकने के लिए रख दूंगी मीडियम हीट पे। और उसके बाद फिर हम चिकन को श्रेड करते हैं। ये मेरे पास 150 ग्राम जो है वो नूडल्स हैं, ये सूप के अंदर जाएंगे जब वो अच्छे से पकना शुरू कर देगा। हमने कोशिश करनी है कि गाजरें जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं, उसके बाद फिर हम नूडल्स उसमें डाल देंगे। और मैं चिकन को काटती हूँ। हड्डियाँ हम इसकी अच्छे से निकाल देंगे, इसको साफ करके इसको काट लेंगे। बेशक आप हाथों से कर लें। चिकन को जो है वो मैंने हाथों की मदद से ही अलहदा अलहदा कर लिया है। आप चंक्स में काटना चाहें काट लें। जो रेड पार्ट है वो मैं निकाल दूंगी। इसी तरह से मैं सारा कर लूंगी। 8 मिनट हो गए हैं सूप को पकते हुए। मैं चिकन डाल दूंगी इसके अंदर। यहाँ पे मैं साथ ही इसमें सीजनिंग डाल दूंगी नूडल्स डालने से पहले। दो टीस्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर डाली है। यहाँ पे अब मैं साल्ट चेक करूँगी इसके अंदर, अगर हमें और ज़रूरत है तो मैं और डालूँगी क्योंकि हमने ब्रॉथ में डाला हुआ है पहले से। साल्ट बिल्कुल ठीक है, हमें और ज़रूरत नहीं है इसमें डालने की। और मैं साथ ही इसमें नूडल्स डाल दूँगी। इसको मैं ढाँप के 4 से 5 मिनट पकने दूँगी, हीट मीडियम पे है। चिकन नूडल सूप जो है वो रेडी हो गया है, देखें। अब मैं चूल्हा इसके नीचे बंद कर दूंगी और इसको निकाल लूंगी। चिकन नूडल सूप तैयार है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।